तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। दो प्रकार की सूचना है, एक सूचना तो ये कि कुछ पुरानी भर्तियों को लेकर के विद्यार्थी आज पीके भवन गए थे, अधिकारियों से वार्ता हुई है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है, पीईटी रहेगा या नहीं रहेगा, कौन से परिणाम जारी होंगे, कौन से भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, किन भर्तियों के इंटरव्यू कब होंगे। साथ में यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां लंबित हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी बैठा जा रहा है, इसको लेकर के विद्यार्थी एक अभियान जारी करने वाले हैं, उसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। और विद्यार्थी एक बड़ा अभियान करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और उसके पहले एक और बड़ी अपडेट है पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी बिगेस्ट फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें बहुत सारे आपको ऑफर मिलेंगे, 1000 से ज्यादा गिव अवे यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग जाकर के यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये हो रहा है पटना में बापू सभागार ऑडिटोरियम में, आप वहाँ पर जाकर के ऑफलाइन इसमें पूरी तरीके से जो कि निःशुल्क है यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन इसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो लिंक है वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को भरेंगे नीचे वहां पर आपको जो इसकी प्रीमियर लिंक है वो मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी बैठ करके इसमें भाग ले सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए मैंने बता ही दिया कि जैसे आप फॉर्म को भरेंगे वैसे ही आपको एक एंट्री पास जो है वो जनरेट हो जाएगा। वहीं पर आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस में इस समय बहुत सारे यूपीएससी के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी फाउंडेशन बेसिस है और संकल्प 2026 के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश जिसकी फीस भी नीचे लिखी है 11,999 रुपए, प्रहार बैच है 2025 के लिए और इसकी जो फीस है वो 9,499 रुपए, टाइटन बैच है 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 9,499 रुपए। इन सभी बैचेस में अगर आप लोग चाहें तो एक मेरा कूपन कोड लगा देंगे तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी PSP500, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। और यहां पर एक कॉम्बो बैच भी है और यहां पर इन लोगों का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से बैच है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी के लिए PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी साहित्य, जिसकी फीस 8,999 रुपए है। PSP500, इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं और काम्बो बैच भी है यहाँ पर, संकल्प प्लस ऑप्शनल, इसमें वो चीज़ें तो रहेंगी प्लस ऑप्शनल भी ऐड हो जाएगा, जिसकी फीस 18,999 रुपए है। प्रहार 2025 प्लस ऑप्शनल, जिसकी फीस 16,499 रुपए है। टाइटन प्लस ऑप्शनल, जिसकी फीस 16,499 रुपए है, इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन, PYQ एनालिसिस वगैरह, तो अधिक जानकारी आपको लिंक में मिल जाएगी। आप लिंक के माध्यम से प्रतिज्ञा दिवस जो 22 जून को होने जा रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनको भी देख सकते हैं, उन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ जो विद्यार्थी अभियान करने वाले हैं उसको लेकर के, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आज जो गए थे विद्यार्थी जनता दरबार में भी गए थे और पीकेएफ भवन भी गए थे, तो वहां पर क्या वार्ता हुई है। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सभी विद्यार्थी पीड़ित हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पत्र को देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने बच्चों की ओर से लिखे गए इस पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ बेरोजगार युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अवसर भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुस्त सेवा चयन आयोग की लचर कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान में 35 से ज्यादा भर्तियां आयोग में कई वर्षों से लंबित हैं। हाँ, बात सही है कि यूपी ट्रिपल एससी में, मैं बताऊं आप लोगों की, लगभग 35 भर्तियां लंबित हैं आज की डेट में, 35 भर्तियां। विद्यार्थियों ने ये पूरा का पूरा जो चिट्ठा ये मेरे पास भेजा है यूपी ट्रिपल एससी का, कि कुल कितने विज्ञापन जारी हुए, कितने विद्यार्थियों ने पीटी के लिए आवेदन किया, जैसे 2021 में 35 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया, 10 विज्ञापन जारी किए, यहाँ पर नीचे लिखा है 10 विज्ञापन पीटी के जारी हुए थे, और लिखा पीटी 2021 की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई थी, फिर भी पीटी 2022 की परीक्षा इन्होंने बीच में करवा लिया। पीटी 2022 में इतने सारे, देखिए पीटी 2022 का विज्ञापन निकला और इतने सारी विज्ञापन निकले पीटी के बाद, लेकिन इसमें से केवल एक परीक्षा हुई। इन विद्यार्थियों का कहना है कि जो पीईटी 2023 का विज्ञापन जारी हुआ था, बीच में केवल ये परीक्षा हुई है, ना वीडियो की परीक्षा हुई, ना एक्सरे टेक्नीशियन की, ना डेंटिस्ट की, ना हाइजेनिस्ट की, प्रवर्तन कांस्टेबल की, लेखा परीक्षा की, नेत्र परीक्षण अधिकारी की, जूनियर असिस्टेंट 5512, पता नहीं कब वैकेंसी किया, कब एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, मानचित्रकार, इतने सारे विज्ञापन 2022 के निकले थे, किसी की परीक्षा नहीं हुई और इन्होंने बीच में फिर से 23 की परीक्षा करा लिया जो इन्होंने 21 में किया था। विद्यार्थियों ने यहां पर यही बात लिखी है, मुख्यमंत्री को विद्यार्थी ज्ञापन देंगे, बताएंगे विद्यार्थी। यहां पर लिखा है कि 10 विज्ञापनों में सिर्फ एक बार यूपीईटी की परीक्षा हुई थी 22 में,
और लिखा इसलिए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के निम्नलिखित वर्णित सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आयोग के कर्मचारियों के लिए जारी करने का कष्ट करें। एक तो आपने पूरा पत्र देखा होगा जो प्रेजेंटेशन किया था UPSSC ने सीएम के सामने, उनको बताया था, वो आप लोगों को भी मिला होगा, कितनी भर्तियां लंबी तक कितनी नहीं है। असली प्रेजेंटेशन ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये नहीं दिखाया होगा उन्होंने कि कितनी भर्तियां लंबी थी, हमने कितनी भर्तियां कंप्लीट की हैं। विद्यार्थियों ने यहाँ पर कुछ मांगे भी हैं विद्यार्थियों की, जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी कि जिस तरीके का परीक्षा कैलेंडर SSC UPSC या जितने भी भर्ती बोर्ड हैं UPSC भी जारी करता है, उसी तरीके से इसका एक वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाए। और यहाँ पर लिखा कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवा लिया जाए। सभी नए विज्ञापनों को जारी करने की तिथि से 3 माह के भीतर परीक्षा, अगले 3 माह के भीतर रिजल्ट, आगामी 2 माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने की, लगभग हर भर्ती को 8 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए। नीचे लिखा कि सभी विद्यार्थियों को उनकी भर्ती से संबंधित जानकारी भी समय समय पर दी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। और ये बात सही है, UPSSC में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है तो लोगों को मुखबिरों की तलाश रहती है, कुछ सही कुछ गलत कुछ झूठी अलग अलग तरीके से जानकारियां मिलती रहती हैं, पेट खत्म हो गया, पेट जारी हो गया, बहुत सारी चीजें, बिना पेट के ये विज्ञापन आएगा, पेट से ये विज्ञापन आएगा, विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारा। तो इस तरीके की एक ऐसी व्यवस्था हो, एक विंडो हो जहां पर जाकर के विद्यार्थी जानकारी ले सके और उनको जानकारी दी भी जाए। ऐसे नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बना है काउंटर लेकिन कुछ नहीं बताते, आप काउंटर पर जाएंगे पूछने के लिए कि भैया ये परिणाम कब आएगा, ये विज्ञापन कब आएगा, वेबसाइट में देखिए, पेपर में आ जाएगा, यही सब करना है तो फिर ये विंडो क्यों खुली है। तो ये चीजें होनी चाहिए। नीचे लिखा है आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाए जिसमें माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सचिव की अपने कार्यों के लिए शासन के समक्ष जवाबदेही तय हो, विज्ञापित भर्तियों को पूरा करने का क्रम निर्धारित किया जाए, जारी करने की तिथि के अनुसार हो, जिस तरीके से विज्ञापन जारी हो रहे हैं उस तरीके से होना चाहिए न्यायालय विवाद को छोड़ करके। और अब विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये जारी किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि ये मुख्यमंत्री जिसके पास से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचा, प्रधानमंत्री समझ जाए कि उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी क्यों नाराज है और विद्यार्थियों ने क्यों वोट नहीं किया है। और ये देखिए 2015 की मानचित्रकार की भर्ती है, इसका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। 2015 और 16 की 4 भर्तियां अभी तक लंबित हैं, 4 भर्तियां 15 और 16 की, और टोटल लगभग 33 से 35 भर्तियां अब तक लंबित हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा विद्यार्थियों ने भेजा है, 43 विज्ञापन जारी हुए हैं UPSSC के और केवल 10 भर्तियां अभी तक कंप्लीट हुई हैं, लगभग 33 भर्तियां अभी तक फंसी हैं, और जो अभी पूर्ण हुई है उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो टहल रहे हैं। ये देखिए मानचित्रकार भर्ती का ये 15 की भर्ती है, इंटरव्यू नहीं हुआ। 16 की भर्ती ITI निदेशक की, इंटरव्यू नहीं हुआ। ASO 2016 की भर्ती है, इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू नहीं हुआ। ये विद्यार्थी आज गए भी थे, मैं इन्हें बताऊंगा इनके बारे में। और कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी बेचारे, इनको साइडलाइन कर दिया गया था, इनकी परीक्षा ही बहुत लेट करवाई गई, 2-2, 3-3 साल बाद। इनका प्राथमिक परिणाम ही अभी तक नहीं आया है, कंबाइंड टेक्निकल का परीक्षा हुई है, इनका प्राथमिक परिणाम आएगा, फिर बहुत सारी चीजें होनी है। अवर अभियंता केवल JEE 2016, जो विद्यार्थियों ने ध्यान होगा इको गार्डन में कितना इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था, बड़ी मुश्किल से इन विद्यार्थियों का जो फाइनल परिणाम जारी हुआ था, अभी 18 का जारी नहीं हुआ है। वीडियो 2000 फंसी है, देखिए इतनी पूरी लिस्ट मैंने दिखाई आप लोगों को शुरू से, इनकी एक भर्ती केवल पूरी दिखी है, उसके बाद फिर से इनका की कहानी शुरू हो गई। ये देखिए एक मंडी परिषद 18 वाली, ये पूरी हुई है, एक मंडी परिषद, इसका रिजल्ट 2 दिन पहले जारी हुआ है, इसका रिजल्ट 2 दिन पहले जारी हुआ मंडी का जो भी आया है। एक ये इसको भी आप पूर्ण मान लीजिए, इसको भी पूर्ण मान लीजिए, इसीलिए मैंने 9 की जगह 10 कहा है। और इस तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग, ASO वाला हो गया पूर्ण, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पूर्ण हो गई है, कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट 2019 वाली ये पूरी हो गई, लगभग 1300 का विज्ञापन जारी हुआ था। जो फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी अंतिम परिणाम लंबित है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पूर्ण हो चुकी है, ASO का रिजल्ट जारी हो गया है, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी ये पूर्ण। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर महर्रर का विज्ञापन ही निरस्त हो गया, कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग लंबित है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा लंबित है, ग्राम पंचायत अधिकारी जो नई वाली आई है वो उसकी परीक्षा लंबित है, VPO एक्सरे टेक्नीशियन डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी, प्रवर्तन अधिकारी की निकली थी कांस्टेबल, लेखा परीक्षक लेखाकार नेत परीक्षा की बहुत सारी वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुए थे PT 2023 से 22 से, और इनमें से देखिए ये 37 विज्ञापन ये हैं, और ये सारी जो परीक्षाएं लंबित हैं, ना 22 की परीक्षा हुई है और ना PT 2023 की कोई परीक्षा हुई है।
37 विज्ञापन ये जारी हुए थे, 38वां विज्ञापन ये दे सकते हैं कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, 40वां विज्ञापन सचिव, और 41वां विज्ञापन आपका AGTA का है, 42वां विज्ञापन आप लोगों का ये जूनियर इंजीनियर की भर्ती इसमें जो चल रही है, और ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 43 विज्ञापन UPSSC ने अब तक जारी किए हैं 43, और टोटल अगर हम पद देखें आज तक के तो टोटल जो पद हैं वो 56,305 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए हैं। 56,305 में से केवल 20,000 के आसपास लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं, बाकी की लगभग 35,000 जो भर्तियां हैं वो फंसी, इसका भी विवरण विद्यार्थियों ने यहाँ पर नीचे भेजा है। तो अब इसमें सुधार की ज़रूरत है और इसके लिए विद्यार्थी अब मुख्यमंत्री जी के पास तो जाएंगे ही और सब कुछ करेंगे, लेकिन अब जो विद्यार्थियों का प्लान है वो पिकअप भवन में धरना देने को लेकर के है, जो विद्यार्थियों ने मुझे बताया है। और अगर आप लोग इन विद्यार्थियों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाकर के उसे देख लीजिए। अब मैं बात करूँगा जो आज विद्यार्थी गए थे, आज विद्यार्थी दो जगह गए थे, एक तो मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। ये जो विद्यार्थी थे ये ASO ARO जो पुरानी वैकेंसी है 2016 वाली उसको लेकर के गए थे, और आज मुख्यमंत्री जी अपने जनता दरबार में नहीं थे, मुख्यमंत्री जी चले गए थे वाराणसी, वहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो जो उनके एक सचिव हैं, एक अधिकारी हैं चौहान जी, उनसे इन विद्यार्थियों की वार्ता हुई है। उन विद्यार्थियों ने उनको बताया पूरी कहानी कि सर हमारी 8 साल पुरानी भर्ती है, तो वो खुद चौंक गए, उनका 8 साल पुरानी कहाँ। तो इन विद्यार्थियों को उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है हम देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे। और दूसरी तरफ आज विद्यार्थी गए थे पीके भवन, आज विद्यार्थी JEE के विद्यार्थी थे 18 वाले, और जो नया JEE का जो विज्ञापन चल रहा है उसके विद्यार्थी थे आज। ये जो पुराने वाले थे वो परिणाम को लेकर के गए थे, जो नए वाले हैं उनका ये कहना था कि PET से छूट दे दिया जाए, PET को हटा दिया जाए। तो सचिव जी ने आज साफ कह दिया है कि PET रहेगा, PET हटेगा नहीं, और अगर आप लोगों को JEE के लिए आवेदन करना है तो PET पास करना होगा, एक बात ये क्लियर किया। और जो JEE 2018 के विद्यार्थी थे उनसे कहा गया है कि आप लोगों का परिणाम जल्द जारी होगा और जल्द ही आप लोगों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। JEE 2018 के विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि हो सकता है इसी महीने लास्ट में या जुलाई में। और एक और विद्यार्थी थे जो ASO वाले, इनसे कहा कि आपका जो साक्षात्कार ASO 2016 वाले जब जनता दरबार से विद्यार्थी वापस गए तो पीका भवन गए थे, तो इन विद्यार्थियों से कहा है कि आप लोगों के जो साक्षात्कार हैं हमारी कोशिश है कि हम जुलाई में लगवा दें। वहीं पर एक और जानकारी मिली है कि UPSSC से लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी विद्यार्थियों को जल्द देखने को मिल सकता है, आने वाले 15 या 20 दिन में हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है, पदों की संख्या लगभग 4700 के आसपास। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।